अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको पता है गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज यूज हो रही होती है वो है जी दोस्तों एयर कूलर। क्योंकि एयर कूलर आपको पता है एक ऐसी चीज है, एक तो वो जो है उसका खर्चा भी कम है, उसके अंदर सिर्फ आपको पानी डालना पड़ता है और आपको जो है ठंडी हवा मिलती है। लेकिन एयर कूलर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अगर तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी जो है कूलिंग थोड़ी कम हो जाती है, और अगर हबस वाले मौसम आ जाए तो फिर भी उसकी कूलिंग कम हो जाती है और कूलिंग उसकी नहीं रहती। तो मैंने सोचा आप सब दोस्तों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर आपको ऐसा तरीका बताऊँ कि आप किसी भी एयर कूलर को एसी जैसा जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी जैसी ठंडी हवा उससे ले सकते हैं। बस उसके लिए तो है दोस्तों एक छोटा सा काम करना, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, हर बंदा कर सकता है। और इसको करने के लिए आपको जो है कोई जो है इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम करना है। तो वो ये क्या काम करना है कि आपका जो एयर कूलर है वो एसी जैसी ठंडी हवा देने लग जाए। तो आज ही इस वीडियो में आप सब दोस्तों को मैं बताने वाला हूँ। तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक जरूर कर देना, और उसके बाद आप टाइम को ज़्यादा देर नहीं करते और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो लीजिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको छोटा सा जो है एक काम करना है जिसके ज़रिए आपका जो है कोई भी एयर कूलर, चाहे वो 12 वोल्ट का हो चाहे वो 220 वोल्ट का हो, वो एसी जैसी एयर कंडीशन जैसी ठंडी हवा देने लग जाए। तो उसके लिए काम करना होगा दोस्तों, आपको जो है परचेज़ करनी होगी दोस्तों कुछ ये चीज़ें। तो ये कुछ सामान है दोस्तों, आपने जो परचेज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुकी है जी हमारे पास दोस्तों काफ़ी सारी बोटल्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग पूछेंगे भाई ये किस चीज़ की बोतलें हैं और ये क्यों रखी हैं और इसका क्या मकसद है कि एयर कूलर जो है वो एसी जैसी ठंडी हवा देने लग जाए। भाई ये आम एक बोतल नहीं है, ये एक स्पेशल बोतल है जिसको हम जेल बैग भी कहते हैं। आपको पता है जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो आइसक्रीम सेल कर रहे होते हैं साइकिल के ऊपर, तो उन्होंने जो है अपने फ्रीज़र के अंदर एक स्पेशल जेल बोतलें रखी होती हैं ताकि उनकी जो है कूलिंग 24 घंटे तक बरकरार रहे, और उनको कोई उसके अंदर साइकिल के अंदर कोई फ्रिज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, उसके अंदर इस तरह की जेल बोतल होती हैं जो कूलिंग को बरकरार रखती हैं। तो मैंने सोचा आज इस जेल बोतल के ऊपर आप सब दोस्तों के लिए वीडियो लेके आऊं और आप सब दोस्तों को बताऊं कि इस जेल बोतल को यूज करते हुए आप अपने एयर कूलर की हवा को एसी जैसा ठंडा बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट मैं आज आपको करके भी दिखाऊंगा, और आप इसको अपने एयर कूलर को जो है अपने एसी जैसी ठंडी हवा कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ना ही किसी बर्फ़ की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आप बर्फ़ को यूज़ करते हुए ठंडी हवा ले सकते हैं, लेकिन बर्फ़ का आपको पता है बार बार खर्चा है, डेली का खर्चा है। तो मैंने सोचा कोई ऐसा काम करो कि जिसके अंदर खर्चे की बचत हो जाए। तो इसके लिए सिर्फ आपको जो है एक दफ़ा ही बोटल्स परचेज़ करनी है, इनको फ्रिज में रखना है, 10-15 मिनट के अंदर ये जम जाएंगी, उसके बाद एयर कूलर के अंदर आपने इसको डाल देना है और ये 2 से 3 घंटे के अंदर जो है ये जो है दोस्तों मुकम्मल जो है मेल्ट होंगी। तो उसके दौरान आपको जो है ठंडी हवा मिलती रहेगी। आप दो बोतलें अपने कूलर के अंदर रखें, दो बोतलें फ्रिज के अंदर रखें, जब दो बोतलें जो है मेल्ट हो जाएं उन दो बोतलों को उठा के दोबारा फ्रिज में रखें, जो फ्रिज में जमी हुई थी वो वापस जो है एयर कूलर में डाल दें। इस तरह साइकिल चलता रहेगा, आपको जो है 24 घंटे ठंडी हवा मिलती रहेगी। याद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा दोस्तों मेरे पास बोतल्स यहाँ पर हैं मौजूद, और आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट करूँगा मैं दो कूलरों के अंदर करूँगा, एक तो दोस्तों लोहे की बॉडी के अंदर, उसके बाद प्लास्टिक बॉडी के अंदर भी दिखाऊंगा कि किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एयर कूलर के अंदर जो है हम अपनी बोतल को जमा कर जो है डालेंगे और हम चेक करेंगे कि कितनी कूलिंग हवा आ रही है। पहले हम विदाउट अपनी बोटल्स के इस्तेमाल करेंगे और फिर विद बोटल्स इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं बाहर अपने एयर कूलर की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहले बोतलों को हम जमा लेते हैं, फिर जो है हम अपने एयर कूलर के अंदर चेक करेंगे। तो मैं अपनी सारी बोतलों को जो है फ्रिज के अंदर रख देता हूँ, और आपने जो है अपने डीप फ्रीज़र के अंदर रख देना है। तो लीजिए जी, भी आप देख सकते हैं मैंने जो है बोतलें रख दी हैं फ्रिज के अंदर। तो अभी कम से कम 15-20 मिनट तक इंतज़ार करते हैं, जब तक हमारी बोतलें जम जाएगी हम जो है फिर इनको एयर कूलर में डाल के अपने एयर कूलर का टेम्परेचर चेक करेंगे, कितना टेम्परेचर जो है हमारे एयर कूलर का गया है कूलिंग का। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारे जो है कूलर अब रेडी हैं टेस्ट करने के लिए, और हमारी जो है बोतल वो भी जम गई होंगी। तो मैंने इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई अटैच कर ली है ताकि हम अपने कूलर को चला सकें, और बैक साइड पे इसके जो है मैं पानी भर रहा हूँ
ताकि इस पानी के अंदर जो है हम अपनी बोतल डाल सकें। तो पानी हो चुका है फुल, इसको कर देते हैं बंद। तो लीजिए जब भी मैंने कूलर को जो है खस लगा कर बंद कर दिया है, तो अभी मैं इसको बगैर बोतल्स के चलाऊंगा, चेक करेंगे आया कितनी कूलिंग हमें दे रहा है, और जब हम बोतल इसके अंदर डालेंगे तो फिर चेक करेंगे कितनी कूलिंग आ रही है। तो अभी यहाँ पर टेम्परेचर आप दे सकते हैं 30.2 का टेम्परेचर हो चुका है बगैर कूलर चले। तो पहले कूलर को चलाते हैं सादा, और फिर हम जो है इसको बोतल डालकर टेम्परेचर का चेक करेंगे, और आपको जो है एसी जैसी ठंडी हवा मिलेगी। तो लीजिए जी, अभी आप देख सकते हैं मैंने कूलर को चला दिया है और हमारे कूलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो है बगैर बोतल्स के चला रहा हूँ, चेक करेंगे टेम्परेचर में कितना फ़र्क आ गया। और अभी जो है टेम्परेचर 30.8 डिग्री है। तो अभी इसको 10 मिनट चलाते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं टेम्परेचर कितना गया है। तो इतना दोस्तों पानी ठंडा हो रहा है, तो हम जो है चेक कर लेते हैं आया हमारी बोतल जमी है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पत्थर की तरह हो चुकी है बोतल, और फुल जो है ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं फुल जो है जम चुकी हैं, और इनके अंदर जो लिक्विड है वो भी फुल जम चुका है, और थोड़ा थोड़ा बाहर भी आ चुका है, मोटी हो गई हैं। इसका मतलब ये फुल हो गई हैं जी फ्रीज़। तो अभी हम ये करते हैं, इन सारे की सारी बोतल को निकाल लेंगे बाहर। कम से कम 5 बोतल जो है मैं अपने जो है एयर कूलर के अंदर रखूँगा, फिर हम चेक करेंगे कितना फ़र्क आया कूलिंग का। तो लीजिए जी, अभी 10 मिनट हो चुके हैं चलते हुए इसको, और अभी आप टेम्परेचर दे सकते हैं मैक्सिमम जो है दोस्तों 27.6 डिग्री तक आया है। और आप देख सकते हैं चल भी हमारे आउटडोर में रहा है, इंडोर नहीं चला रहा, ताकि बहुत से लोगों का सवाल है भाई आप ये कमरे में चला रहे हैं तभी कूलिंग ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बार आउटडोर में चला कर दिखाऊँ आप सब दोस्तों को, आपको पता चलेगा टेम्परेचर में कितना फ़र्क है। हालाँकि बाहर टेम्परेचर जो अभी 33 डिग्री हुआ है, 33-34 डिग्री और 27.4 डिग्री अभी हमें ठंडे हवा मिल रही है। तो अब ये काम करते हैं, इसमें इंसर्ट करते हैं जी अपनी बॉटल्स, और फिर हम इसे चला कर चेक करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जमी हुई है दोस्तों बोतल, और बिल्कुल पत्थर बनी हुई है, हर जगह से जम गई है। तो मैं सारी बोतल्स को बाहर निकाल लेता हूँ 5 को, और फिर हम इसको अंदर डाल के चेक करते हैं। तो लीजिए जी, आ चुकी है जी हमारी 5 की 5 बोतल्स। तो अब हमने इसको डालना है जी अपने एयर कूलर में। तो एयर कूलर को मैंने खोल दिया है, आपने सिर्फ इस तरह ही इसके अंदर डाल देना है जिस तरह मैं डाल रहा हूँ। तो लीजिए जी, 5 की 5 बोतल्स मैंने डाल दी हैं इसके अंदर, और अभी आप देख सकते हैं मेरा कूलर भी बिल्कुल नई नहीं है, यूज़ कूलर है, उसके अंदर मैं इसकी कूलिंग चेक कर रहा हूँ। तो अगर आपका ब्रांड न्यू कूलर होगा उसके अंदर भी आप उससे अच्छी कूलिंग ले सकते हैं। तो 5 बोतल डाल दी हैं, अब इसको हम चलाते हैं। तो लीजिए जी, भी आप देख सकते हैं बोतल हमने डाल दी हैं, कूलर चल चुका है जी। अभी जो हम वेट करते हैं जी अपने जो है इस टेम्परेचर का, आया कितना टेम्परेचर पर फ़र्क पड़ता है। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं टेम्परेचर जो है आ चुका है जी 16 डिग्री तक, और अभी आप देख सकते हैं 16 डिग्री हमारा टेम्परेचर आ चुका है, और कूलिंग अभी भी बार बार हो रही है। तो यही वजह, अगर आप अपनी बोतल्स को जो है डाल लेते हैं दोस्तों कूलर के अंदर, और आपको जो है ठंडी कूलिंग मिलती रहेगी। तो ये काम करें और आपको जो है अच्छी जो है कूलिंग मिलती रहेगी। और यही वजह मैं आपको दोबारा टेम्परेचर चेक करवाता हूँ। तो मैं आपको दोबारा टेम्परेचर दोस्तों यहां पर चेक करवाता हूं, और आप देख सकेंगे हमारा जो है टेम्परेचर आ चुका है जी 16 डिग्री के ऊपर। तो यही वजह दोस्तों, इन कूलर वाली बोतल्स के ज़रिए आप जो है अच्छी कूलिंग ले सकते हैं, और यही बोतल जो है आप हमारे दूसरे वाले कूलर के अंदर भी लगा सकते हैं जो कि ये है। तो इस कूलर के ऊपर भी दोस्तों आप जो है हमारी बोतल्स को लगा सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर जगह होती है आपको पता है, तो इसके अंदर यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसको भी रखने का दोस्तों तरीका बताया, तो इसको रखने के लिए आप यहाँ पर बोतल्स अपनी रख सकते हैं 1, 2, 3, कम से कम 5 बोतल इसके अंदर आराम से आ सकती हैं, और आप जो है अच्छी कूलिंग इससे भी ले सकते हो। तो मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ कि आया हमारे एयर कूलर की अब कूलिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है, तो वो भी चेक करवाया था। तो दोबारा आप देख सकते हैं इसकी कूलिंग अभी भी 16.7 पर है। तो यानी कि अगर तो है दोस्तों आप इसको इंडोर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कूलिंग बड़ी बेहतरीन मिलने वाली है।
तो ये है जी वो दो कूलर जिनको ज़रिए आप जो है किसी भी आम एयर कूलर को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही सिर्फ आसान और सस्ता तरीका है जिसके ज़रिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो है बोतल भी यहाँ पर पड़ी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो हमारी ये एयर कूलर के ऊपर आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।